नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम पे फिर से पनागर जबलपुर पे, और आज प्रथम दिन है कथा का। पनागर पे श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी यहां पे पधार चुके हैं, मतलब 4 बजे से कथा होने वाला है। तो अभी हम लोग हैं जस्ट पंडाल के सामने से, अभी आपको दिखाते हैं अंदर जा करके। और यहाँ पे पब्लिक भीड़ बढ़ती ही जा रही है, अभी टाइम हो चुके हैं 2 बज गए हैं। ये दोस्तों यहाँ से एंट्री है, यहाँ से अपन एंट्री करेंगे, और गाड़ी पार्किंग के लिए कहीं अलग व्यवस्था किया गया है। अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, और यहाँ पे लाखों में तो फाइनली दोस्तों देखिए भीड़ जमती जा रही है, खतरनाक। ये देखिए दोस्तों इधर के दोस्तों, यहाँ पे पंडाल के जस्ट बाहर एक साइकिल लगा हुआ मुझे दिखाई दिया, सारणी से अयोध्या और मैहर से प्रयागराज सनातन ग्रुप बागेश्वर धाम। देखिए ये साइकिल से ही ये यात्रा कर रहे हैं, ये देखिए अपना सब कुछ लेके इतना मेहनत करके। ये देखो फाइनली दोस्तों देख लीजिए कितना भयानक भीड़ लगते ही जा रहा है। अभी खाता चालू हुआ नहीं, खाता 4 बजे चालू होने वाला है, लेकिन भीड़ देखिए एकदम उमड़ती ही जा रही है। ये भीड़ देखिए गजब की, गाड़ी अब उठा उठा करके क्रेन में ले जाया जा रहा है। यानी दोस्तों देखिए भीड़ यहाँ पे कितना भयानक हो चुका है। आप सभी ने फाइनली दोस्तों देखिए भीड़ गजब का भीड़ लग चुका है, समझते हुए गजब का भीड़ प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना का है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित आपसे आग्रह है, कई गुना बढ़ा दे। देखिए बागेश्वर धाम लगता है आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अब तक 24 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे बाबा बागेश्वर धाम चलिए कुछ निवेदन जो अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन मैं आपसे करूंगा। मेरा दायित्व है कि तिवारी परिवार के इस धार्मिक भव्य दिव्य अनुष्ठान, जी हाँ भव्य तो ये जब परिकल्पना हुई थी तब से ही है, लेकिन दिव्यता इसे आप सभी की उपस्थिति में। इतने सारे यजमान मेरे सामने सबसे आगे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और जिनके चेहरे पर सिर्फ इनके ही नहीं। तो फाइनली दोस्तों टाइम हो चुका है 3:30 बजने वाले हैं, और आपको भीड़ दिखाते हैं क्योंकि हमें स्थान नहीं मिला अंदर जाने के लिए। कम से कम 1 से 1.5 लाख पब्लिक यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो अभी ये वाला एरिया जो है, तो जो मंच के बाई ओर है, तो यहाँ पे लोग नहीं बैठ रहे हैं अभी, हम इसीलिए यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कि भीड़ कितनी भयानक है। ये देखिए कितना भयानक भीड़ इधर लगा हुआ है, आपको और पास से जाके दिखाते हैं। वीआईपी रूट पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन्हें वाहन चालकों को निर्देशित करें कि गाड़ियाँ क्षेत्र में ही जो पार्किंग की जगह है वहाँ पर लगा दी जाए। बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आए नहीं है, और भीड़ देखिए कितना है, हम लोगों को ही कितने पीछे लगना पड़ रहा है लाइन।
कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। अन्नू ब्लॉगिंग कर रहा है, ये देखिए। के लिए अंतर आप पे नहीं आता है, कथा नंबर भी कम होता तो निवेदन है कि स्वभाव में ऐसा होगा हमारे साथ महर्षि के जी सारी में उतर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम, तो देखिए दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम का आगमन हो चुका है, डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी यहाँ आने वाले हैं, ये देखिए हमारे बीच में पहुँचेंगे। पूज्य बुद्ध भगवान का आगमन हो चुका है। Thank you.